कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। सिनेमा घर में आज की फिल्म है गोरा और काला। गोरा और काला फिल्म 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है, जो राजकुमार कोहली द्वारा निर्मित और नरेश कुमार द्वारा निर्देशित है। फिल्म में राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, रेखा, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी और जगदीप हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। ये फिल्म 1971 की तमिल फिल्म निरुम नेरुपम की रीमेक है, जो अलेक्जेंडर डुमास के 1844 के फ्रांसीसी उपन्यास दी कॉर्सिकन ब्रदर्स पर आधारित थी। आइए नजर डालते हैं फिल्म के चरित्रों पर। करण सिंह और काली सिंह के रूप में है राजेंद्र कुमार, राजकुमारी अनुराधा के रूप में हेमा मालिनी, फूलवती का किरदार निभा रही हैं रेखा, पृथ्वी सिंह के रूप में हैं प्रेमनाथ, शमशेर सिंह के रूप में प्रेम चोपड़ा, राजा जोहरावर सिंह अनुराधा के पिता के रूप में मदनपुरी नजर आते हैं, जगदीप हैं मुन्ना सिंह और चुन्नी सिंह के रूप में, महारानी के रूप में सुलोचना लाटकर, दिलावर सिंह की भूमिका में कमल कपूर, कोतवाल सरजू सिंह के रूप में राम मोहन हरिया के रूप में, रणधीर सिंह के रूप में राजन हक्सर, महाराजा के रूप में देव कुमार और ग्रामीण के रूप में कमलदीप। इस फिल्म की कहानी जुड़े हुए जुड़वा भाई एक शाही परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन जन्म के समय अलग हो जाते हैं। हालांकि वे जुड़वा हैं, एक को रक्त विकार है इसलिए उसकी त्वचा का रंग उड़ गया है और उसका बायां हाथ लकवा ग्रस्त है। वर्षों बाद वे एक दूसरे को खोजते हैं और अपने राज्य को गद्दारों से मुक्त कराने के लिए एकजुट होते हैं। आइए अब आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में राजमहल का दृश्य, जनता महाराज की जय के नारे लगा रही है। महाराज के घर जुड़वा संतान ने जन्म लिया है। दोनों संतान जुड़े हुए हैं पर उनको अलग कर दिया जाता है सही सलामत। एक राजकुमार का रक्त बहुत ज्यादा निकल जाने के कारण उसका रंग काला हो गया है, पर दोनों राजकुमार सही सलामत हैं। महाराज को जैसे ही संदेश मिलता है, महाराज कहते हैं, रंग गोरा हो या काला, खून तो राजकुमारों में हमारा ही है। महाराज का आदमी रणधीर सिंह बताता है, दोनों राजकुमार अलग तो हो गए हैं पर दोनों एक दूसरे के दुख दर्द महसूस करेंगे। महाराज कहते हैं, इस खुशी के मौके पर हम दुख दर्द की बातें नहीं करना चाहते। महाराज खुशी खुशी मंत्री जोरावर सिंह को खुशखबरी देने जाते हैं और कहते हैं, आज माँ भवानी ने एक नहीं हमें दो दो राजकुमार दिए हैं। जोरावर सिंह महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं। महाराज कहते हैं, जोरावर सिंह जी, बधाई नहीं, ऐसे बधाई नहीं, आओ हमारे गले लग जाओ। पर जोरावर सिंह महाराज को खंजर से मार देता है और महाराज का वहीं निधन हो जाता है। जैसे ही महाराज का देहांत होता है, जोरावर सिंह
महल का महाराजा बनता है और महाराज की जय के नारे लगने लगते हैं। तभी पृथ्वी सिंह यानी प्रेमनाथ ये सब देखता है और सारी बातें सुन लेता है। वो भागकर महारानी के पास जाता है और बताता है कि जोरावर सिंह ने महाराज की हत्या कर दी है और वो अब दोनों राजकुमारों और आपकी जान लेना चाहता है। पृथ्वी सिंह महारानी को राजकुमारों को लेकर महल से जाने के लिए कहता है और पृथ्वी सिंह सही सलामत राजकुमारों और महारानी को खुफिया रास्ते से उन्हें महल से बाहर ले जाता है। जोरावर सिंह उनका पीछा करने के लिए अपने सैनिक भेजता है। राजकुमारों का कुछ पता न चलने पर यह ऐलान किया जाता है कि राजकुमारों की उम्र के जितने भी बच्चे आसपास के जगह पे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए और जिसकी माँ का पता ना चले उसे वहीं मार दिया जाए। गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, एक एक करके सबकी माँ का पता लगाया जाता है। जैसे ही गोरे राजकुमार का नंबर आता है, गोरे राजकुमार की बारी आती है, सेनापति पूछता है इसकी माँ कौन है? कोई भी जवाब नहीं आता। सेनापति कहता है अगर मेरे तीन गिनने तक कोई जवाब नहीं आया तो इस बच्चे को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। तभी सेनापति के तीन गिनने तक महारानी रोती हुई भीड़ में से बाहर आती है और कहती है ये मेरा बच्चा है। महारानी को तुरंत सेनापति उसी वक्त गिरफ्तार कर लेता है। तभी पृथ्वी सिंह दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर आता है और सेनापति के हाथ से गोरे राजकुमार को छीनकर वहां से फरार हो जाता है। उधर काले राजकुमार को लेकर वैद्य जी अपने घर आते हैं मरहम पट्टी के लिए। तभी डाकू का एक आदमी आता है और कहता है कि जल्दी चलो, सरदार जख्मी हैं, उनको मरहम पट्टी करनी है। वैजी काले राजकुमार को लेकर डाकुओं की गुफा में चले जाते हैं। उधर जोरावर सिंह महारानी पर अत्याचार करता है ताकि वो राजकुमारों का पता बताए, पर महारानी कुछ भी नहीं बताती। उधर वैद्य रणबीर सिंह डाकुओं के सरदार की मरहम पट्टी करता है और कहता है अब मुझे इजाज़त दीजिए। सरदार कहता है अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुमने हमारा ठिकाना अब देख लिया है। रणबीर सिंह कहता है ये नन्ही जान किसी की अमानत है, मुझे जाना होगा सरदार। सरदार कहता है इस राजकुमार को यहीं रहने दो। रणबीर सोचता है छोटे राजकुमार के लिए इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं, जोरावर सिंह यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। उधर पृथ्वी सिंह गोरे राजकुमार करण सिंह को बचपन से ही तलवारबाजी की शिक्षा देना शुरू करता है। राजकुमार दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और राजकुमार तलवारबाजी में माहिर हो जाते हैं। उधर काला राजकुमार यानी काली सिंह डाकुओं के साथ रहते रहते डाकुओं का सरदार बन जाता है। शमशेर सिंह यानी प्रेम चोपड़ा जोरावर सिंह का खास आदमी है, मंत्री है, जो गरीबों पर अत्याचार करता है। पृथ्वी सिंह और करण सिंह आकर गरीबों की जान बचाते हैं। उधर शमशेर सिंह के सैनिकों की लड़ाई करण सिंह और पृथ्वी सिंह से होती है। सैनिक उनसे डरकर भाग जाते हैं। उधर काली सिंह लूटमार का सामान लेकर आता है और कुछ सामान गरीबों में बांट देता है और बाकी सामान लेकर अपने खुफिया अड्डे पर आ जाता है। तभी रेखा यानी फूलवती काली सिंह के पास आती है और कहती है आ गया मैदान मार के। काली कहता है तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? फूलवती कहती है रोज की तरह तुम्हारा इंतजार। फूलवती कहती है डाके पर गया था, हमरे लिए काल आया। काली कहता है ले ये हार रख ले। फूलवती कहती है अगर लाया ही है तो अपने हाथों से पहना दे।
काली कहते हैं काली सिंह सिर्फ हार उतारना जानत है, पहनाना नहीं, और काली वहां से चला जाता है। उधर फूलवती कहती है जब तक तेरे हाथ मेरे गले में नहीं पड़ेंगे तब तक ई हार नहीं पहनूंगी। काली सिंह बड़े सरदार के पास जाता है और कहता है बहुत माल हाथ लगा, आधा माल गरीबों में बांट दिया, आधा माल ये लो। बड़ा सरदार कहता है शाबाश, और बड़े सरदार काली सिंह को बताते हैं असली बड़ा माल तो कल हाथ आएगा, इस रियासत की राजकुमारी अनुराधा यानी हेमा मालिनी अपने ननिहाल से वापिस आ रही हैं राजमहल। कल जैसे ही उसका काफिला यहाँ से गुजरेगा तुम धावा बोल देना और सारा माल लूट लेना। अगले दिन जैसे ही राजकुमारी का काफिला आता है काली सिंह सारा माल लूट लेता है और राजकुमारी पर फिदा हो जाता है और राजकुमारी को अगवा कर लेता है, खुफिया जगह ले आता है। तभी फूलवती काली सिंह के पास आकर कहती है सुना है इस बार बड़ा माल हाथ लगा है, हमरे लिए का लाए। काली सिंह कहता है इस दफा तेरे लिए कछु नहीं लाया, इस दफा अपने लिए लाया हूँ। फूलवती पूछती है अपने लिए का लाया रे? एक तो मेरा मस्ताना शबाब उस पे गिरा दी रे तूने सरा, हाय हाय हाय। एक तो मेरा मस्ताना शबाब उस पे गिरा दी रे तूने सरा।
राजकुमारी अनुराधा डाकुओं की कैद में है। वो रो रही है। काली सिंह राजकुमारी पर बुरी नजर डालता है। तभी रणवीर सिंह वहां आकर काली को रोकता है और वहां से ले जाता है। फूलवती अनुराधा के पास आती है और अनुराधा को कहती है, तू तो बहुत खूबसूरत है, और कहती है, तुझे मर्दाना जोड़ा देती हूँ, भाग जा यहाँ से। अनुराधा कहती है, तुम मुझे इस कैद से बचाओगी? फूलवती कहती है, मैं काली से नहीं, अपने लिए तुझे बचा रही हूँ, कभी काली का धर्म भ्रष्ट मत करना। अनुराधा वहाँ से फरार हो जाती है और रात को बारिश में भीग जाती है और करण सिंह के दरवाजे पर आकर बेहोश हो जाती है। तभी बाहर कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती हैं। पृथ्वी सिंह करण सिंह को कहता है, दरवाजे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, किसी की आहट है, ज़रा जाके देखना कौन है, कोई मुसाफिर, कोई भटका हुआ राही तो नहीं। करण सिंह बाहर जाता है, देखता है एक लड़का बेहोश बारिश में भीगा हुआ पड़ा है। वो उस लड़के को लेकर घर में आता है। पृथ्वी सिंह कहता है, ये लड़का तो बहुत भीगा हुआ लग रहा है, जल्दी से इसके कपड़े बदल दे और रजाई उड़ा दे। और पृथ्वी सिंह ये कहकर दूसरे कमरे में चला जाता है। करण सिंह जैसे ही उस लड़के के कपड़े बदलने की कोशिश करता है, उसे पता लगता है, ये तो एक लड़की है। उधर जोरावर सिंह को पता चलता है कि राजकुमारी को डाकू उठा ले गए हैं। शमशेर सिंह को जोरावर सिंह बहुत डांटता है। काली सिंह फूलवती पे हाथ उठाता है कि उसने राजकुमारी को भगाने के लिए उसकी मदद क्यों की। राजकुमारी सोकर सुबह उठती है और करण सिंह को बताती है कि वो राजकुमारी की दासी है, डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला किया और उन्हें अगवा कर लिया था, वो बड़ी अपनी जान बचाकर डाकुओं के चुंगल से निकली है। और करण सिंह को राजकुमारी कहती है, तुमने मुझे बचाया, मेरे लिए इतना किया, तो मुझे राजमहल तक भी छोड़ दो। करण सिंह कहता है, लो दूध पियो, तब तक मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। राजकुमार राजकुमारी को लेकर राजमहल की ओर निकल जाता है घोड़े पर सवार होके। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी, प्रेम
ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होंठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी। कितना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। करण सिंह अनुराधा को लेकर महल के पास पहुंच जाता है। अनुराधा करण सिंह को कहती है, राजकुमारी के जन्मदिन पर बड़े बड़े मुकाबले होंगे, राजकुमारी के जन्मदिन पर तुम वहाँ आना, वहाँ हमारी मुलाकात हो सकती है और मैं तुम्हें राजकुमारी के आसपास ही मिलूंगी। करण सिंह कहता है, तुम चाहे जहाँ रहो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ लेंगी। अनुराधा और करण सिंह एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। राजकुमारी सही सलामत राजमहल आ जाती है। जोरावर सिंह खुश हो जाता है और शमशेर सिंह को कहता है, पूरे महल को जगमगा दो, कल हमारी राजकुमारी का जन्मदिवस है। कल रंग महल में नाच गाना होगा, मुकाबला होगा, कोई भी इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। और वहां चुपके से काली सिंह राजमहल आ जाता है राजकुमारी के पास, उसे फिर से अगवा करने की, और राजकुमारी को ले जाने की कोशिश करता है। पर तभी राजकुमारी शोर मचाती है और सैनिक वहां आ जाते हैं। काली सिंह और सैनिकों में लड़ाई होती है, काली सिंह को कैद कर लिया जाता है और उसको बड़े से पिंजरे में कैद करके गांव वालों को दिखाया जाता है। और सैनिक कहते हैं, इस दुष्ट को कल फांसी पे लटका दिया जाएगा, जिसने राजकुमारी पर बुरी नजर डाली है। काली सिंह चालाकी से पिंजरे सहित घोड़े की रस्सी पकड़कर वहां से फरार हो जाता है और
बच निकलता है। राजकुमारी का जन्मदिन आता है। मुन्ना सिंह करण सिंह का दोस्त है। मुन्ना सिंह और करण सिंह वहाँ पहुँचते हैं। मुन्ना सिंह कहता है, ढूंढो अपनी महबूबा को राजकुमारी के आसपास। राजकुमार कहता है, अल्लो हम तो बेवकूफ़ बन गए, राजकुमारी ने दासी बनकर हमें बेवकूफ़ बनाया, मैं भी उसे दिखाता हूँ मैं भी क्या चीज़ हूँ। और एक बूढ़े आदमी का भेष बदल कर राजकुमारी के पास पहुँचता है। मुकाबले में शमशेर सिंह सबको हरा देता है। जैसे ही राजकुमारी शमशेर सिंह को माला पहनाने जाती है, बूढ़े के भेष में राजकुमार यानी करण सिंह आता है और रोकता है, ठहरो। और अब मुकाबला शमशेर और करण सिंह में होता है। बूढ़े के भेष में राजकुमार यानी करण सिंह शमशेर से मुकाबला करता है और शमशेर सिंह को हरा देता है। मुकाबला करण सिंह जीतता है। राजकुमारी करण सिंह को माला पहनाती है और जोरावर सिंह कहते हैं, आज से आप हमारे इस राजमहल के शाही मेहमान हैं। राजकुमार यानी करण सिंह अपनी आशिकी राजकुमारी को दिखाता है शायरी के अंदाज में, बूढ़े के भेष में। कहता है, जाने मन हमारे गले लग जाओ। राजकुमारी कहती है, जबान को लगाम दो बुढ़े। और राजकुमारी कहती है, जी चाहता है तुम्हारी दाढ़ी नोच लूं। और करण सिंह की दाढ़ी वो नोचने की कोशिश करती है और दाढ़ी उसके हाथ में। राजकुमारी के हाथ में जैसे ही दाढ़ी आती है, राजकुमारी करण सिंह को पहचान लेती है और खुश हो जाती है और कहती है, तुमने ये नाटक क्यों किया? करण सिंह ने कहा, जैसे तुमने दासी का नाटक किया वैसे ही मैंने भेष बदल कर बूढ़े का। राजकुमार यानी करण सिंह कहता है, तुम तक पहुंचने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी अपनी अंगूठी राजकुमार को देती है और कहती है, ये अंगूठी दिखाकर तुम भी राजमहल में कभी भी आ सकते हो। और राजकुमार यानी करण सिंह को गाना याद आता है, ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी बनेगी। शमशेर सिंह राजकुमारी की तरफ महल में आता है और राजकुमारी करण सिंह के साथ होती है। तभी मुन्ना राजकुमारी को आगाह करता है। राजकुमारी और करण सिंह को जैसे ही आहट मिलती है कि शमशेर सिंह वहां आ रहा है, करण सिंह जल्दी अपनी नकली दाढ़ी लगाने की कोशिश करता है, पर शमशेर सिंह उसे देख लेता है और कहता है, और जैसे ही शमशेर सिंह आता है, करण सिंह अपनी दाढ़ी लगा लेता है और आकर शमशेर सिंह कहता है, संगीत की सभा में आने के लिए महाराज ने निमंत्रण दिया है, वहाँ जल्दी चलिए। राजकुमार और राजकुमारी को लेके वो रंग महल जाता है। राजकुमार कहता है, ना हमने कभी ऐसी जगह देखी और ना सुनी, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तेरे ने नशे दे प्याले, तेरे नैन नशे दे प्याले, इन्हें पिएंगे नसीबों वाले। तेरे नैन नशे दे प्याले, इन्हें पिएंगे नसीबों वाले। तेरे नैन
क्या कहा तुझे कातिल अगर ना कहा, क्या कहा तुझे कातिल अगर ना कहा। क्या कहूँ कुछ कहना ही मुश्किल हुआ, काले तुझे एक नजर देखा तो, तुझे एक नजर देखा तो मेरे होंठों पे लग गए काले, तेरे नैन नशे दे प्याले, इन्हें पिएंगे नसीबों वाले, तेरे नैन देवो इस दुनिया को, ठुकरा देवो इस दुनिया को, जिस रूप तेरा अपना ले, तेरे नैन नशे दे प्याले, इन्हें पिएंगे नसीबों वाले, तेरे नैन तेरे नैन। उधर गांव वाले करण सिंह के घर आते हैं और करण सिंह और पृथ्वी सिंह को बताते हैं कि काली सिंह जो डाकुओं का सरदार है उसने जमींदार के घर पर डाका डाला है। करण सिंह कहता है चलो हम भी काली सिंह को दिखाते हैं कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। जैसे ही काली सिंह जमींदार का माल लूट कर बाहर आता है, करण सिंह काली सिंह को रोकता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी है, बस रंग में ही अंतर है, एक गोरा है और एक काला। करण सिंह काली सिंह को कहता है तुम माल लूटकर यहां से नहीं ले जा सकते। काली सिंह कहता है जिंदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि जो हमें ललकारे। काली सिंह कहता है छोड़ दो मेरा हाथ नहीं तो मारा जाएगा। करण सिंह कहता है मौत से खेलना हमने भी सीखा है, बाजुओं में दम है तो तलवार उठाओ। गोरे राजकुमार और काले राजकुमार दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है, दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। जैसे जैसे तलवार करण सिंह के शरीर पर लगती है तब तब काली सिंह को दर्द होता है। काली सिंह के एक हाथ में लकवा है, वो एक हाथ से ही तलवार से लड़ रहा है और बार बार गोरे राजकुमार पर वार कर रहा है, और जब जब वार करता है उसके दर्द को बार बार महसूस करता है। आखिर में करण सिंह के हाथ से तलवार छूट जाती है और करण सिंह को की बहादुरी देखकर काली सिंह कहता है तू बहुत बहादुर है रे, धन है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, और कहता है लौटा दो सारा माल। और राजकुमार की बहादुरी से खुश होता है और खुशी में ही जो माल उसने लौटा माल लूटा होता है सब सारे के सारा लौटा देता है और वहां से चला जाता है। उधर डाकुओं में एक आदमी है हरिया जो कि फूलवती पर बुरी नजर डालता है। काली वहां आकर हरिया को
बुरा कहता है और उसकी पिटाई कर वहां से भगा देता है। हरिया को गुस्सा आता है, पर हरिया काली के कहने पर फूलवती से माफी मांगता है। रात के अंधेरे में हरिया अपना बदला लेने की कोशिश करता है और काली सिंह को अंधेरे में खंजर मारता है। वो सोचता है कि काली सिंह सो रहा है, पर वहाँ काली सिंह नहीं होता, बस बिस्तर होता है और काली सिंह छुपकर ये सब देख रहा होता है। काली सिंह देखता है कि हरिया उसकी जान लेना चाहता है और काली सिंह उसे वहीं मार देता है। उधर मुन्ना सिंह अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाता है। तभी उसकी प्रेमिका का पिता छज्जू सिंह घर में आता है, जो घर पर अपनी तलवार भूल जाता है। छज्जू सिंह अपनी बेटी को कहता है, किसी की आवाज़ आ रही थी तो किससे बात कर रही थी? उसकी बेटी कहती है, मेरी सहेली चुन्नी आई है। तभी मुन्ना सिंह बाहर निकलता है एक लड़की के भेष में, चुन्नी बनकर। छज्जू सिंह कहता है, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। बेटी तलवार लेकर आती है और छज्जू सिंह तलवार लेकर राजमहल चला जाता है। राजकुमार और राजकुमारी महल में एक साथ होते हैं। तभी शमशेर सिंह आता है और दोनों को देख लेता है। हड़बड़ाहट में राजकुमार नकली दाढ़ी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शमशेर वहां आकर कहता है, ये खेल नौटंकियों में ही अच्छे लगते हैं, राजमहलों में नहीं। और शमशेर और करण सिंह में लड़ाई शुरू होती है, तलवारबाजी शुरू होती जाती है। उधर छज्जू सिंह घर आकर चुन्नी और अपनी बेटी को बताते हैं कि आज उसने राजकुमारी के आशिक करण सिंह को पकड़ लिया है। करण सिंह को शमशेर सिंह कैद कर लेता है और कोड़ों से उसके शरीर पर वार करता है। जैसे जैसे कोड़े राजकुमार पर पड़ते हैं, वैसे वैसे काली सिंह उस दर्द को महसूस करता है। सरदार कहता है, काली सिंह क्या हुआ? काली सिंह कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कोड़ों से मार रहा है। और बताता है, पहले भी उसे ऐसा महसूस हुआ था जब वो एक बार माल लूटकर निकल रहा था, एक नौजवान ने उसे रोका और उनमें लड़ाई हुई। जैसे जैसे उसकी तलवार उसके शरीर पर पड़ रही थी और दर्द काली महसूस कर रहा था। और तभी रणवीर सरदार को काले राजकुमार के बारे में बताता है। करण सिंह को शमशेर जेल में डाल देता है, जहां उसे महारानी मिलती है और महारानी करण सिंह की माँ है, पर अभी करण सिंह को कुछ नहीं पता। मुन्ना सिंह पृथ्वी सिंह को करण सिंह के कैद की खबर सुनाता है। पृथ्वी सिंह राजमहल जाता है और शमशेर पर वार करता है। शमशेर पृथ्वी सिंह को पकड़कर जेल में डाल देता है। जेल में उसी कालकोठरी में पृथ्वी सिंह जाता है जहां पहले से करण सिंह है। करण सिंह पृथ्वी सिंह को बताता है कि आप यहां क्यों आए? इस जेल में जो एक बार आ जाता है दोबारा नहीं निकलता। यहां एक बूढ़ी माँ भी कैद हैं जो 25 साल से यहां कैद हैं। पृथ्वी सिंह जैसे ही उस बूढ़ी माँ को देखता है, वो बताता है, ये तो राजमाता है। और राजकुमार को बताता है कि ये तुम्हारी माँ है और तुम इस राजमहल के राजकुमार हो। पृथ्वी सिंह जेल से फरार होने की कोशिश करता है, पर महाराज राजकुमार, महारानी और पृथ्वी सिंह तीनों को पकड़ लेते हैं। काली सिंह अपने साथियों के साथ राजमहल आता है। उसको पता लग गया है कि करण सिंह उसका भाई है और वो इस सियासत का राजकुमार। काली सिंह अपने साथियों के साथ राजमहल आकर पृथ्वी सिंह, करण सिंह और राजमाता को छुड़ा ले जाता है। काली करण को बताता है, तू हमारा भाई है रे। राजमाता अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से घर आकर खाना खिलाती हैं। तभी पृथ्वी सिंह आता है और कहता है कि दोनों राजकुमारों को
उसकी रियासत अभी नहीं मिली है, राजधानी में अभी भी एक राक्षस बैठा है और दोनों राजकुमारों को कहता है कि दोनों तलवार उठाओ और अपने पिता के खून का बदला लो। उधर शमशेर जोरावर सिंह को कहता है, तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, तुम असली राजा नहीं हो। शमशेर सिंह जोरावर सिंह की हकीकत बताता है। काली सिंह अपने आदमियों के साथ और करण के साथ राजमहल आता है और जोरावर सिंह को पकड़कर राजमाता के पास ले आते हैं। जोरावर सिंह कहता है, मैं राजपाट सब देने को तैयार हूँ। जोरावर सिंह राजकुमारों से माफी भी मांगता है। काली सिंह जोरावर सिंह की हत्या कर देता है और कहता है, खून के बदले खून। और जोरावर सिंह के खून से करण सिंह को राजतिलक कहता है, राजतिलक करता है और कहता है, महाराज की जय हो। करण कहता है, महाराज मैं क्यों, काली सिंह क्यों नहीं? काली कहता है, गद्दी हम दोनों की है भाई, ताज तुम्हारे सर और तलवार हमारे हाथ, हुकूमत तुम करोगे, उसकी हिफाजत मैं करूंगा। महाराज की जय, महाराज की जय के नारे लगने लगते हैं।
राजमहल में शमशेर सिंह राजकुमारी को कहता है, आपके महाराज के बीच आपका प्यार बहुत बड़ी दीवार है। शमशेर सिंह कहता है, महाराज का पता तभी लगेगा जब आप अपने प्रेमी का पता बताओगी। सैनिक आकर बताते हैं, जंगल में महाराज की लाश पाई गई है। शमशेर कहता है, महाराज का खून राजकुमारी के प्रेमी ने किया है। शमशेर जोरावर सिंह के मरने के बाद इधर राजमहल में अपने राजतिलक की तैयारी करता है और कहता है, अब राजकुमारी का विवाह मुझसे होगा। जैसे ही शादी का दिन आता है, तभी काली राजमहल पहुंचता है और राजकुमारी को उठा कर ले आता है। और राजकुमारी को लाने के बाद करण सिंह को लेकर आता है दिखाने पर। जैसे ही करण सिंह अनुराधा राजकुमारी को देखता है, दोनों गले लग जाते हैं। काली सिंह को पता नहीं कि करण सिंह और अनुराधा राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्हें गले लग देख काली को बहुत तकलीफ होती है। करण बताता है अनुराधा को कि ये मेरा सगा भाई है। राजकुमारी करण को कहती है, ये काला और तुम गोरे, और ये तो जानवर है, ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? करण बताता है कि ये मेरा भाई है, मेरे लिए ये तुम्हें यहाँ लेकर आया है। जैसे ही अनुराधा को काली से मिलवाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही मुड़कर देखता है, काली वहाँ नहीं होता। काली देवी की मूर्ति के आगे जाकर जोर जोर से घंटी बजाता है और रोने लगता है। उधर राजकुमार करण सिंह और राजकुमारी अनुराधा तन्हाइयों में हैं, एक साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, सेज से कलियां चुना ले, चुना ले कोई चुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले कोई सुना ले। बात
सिंह और राजकुमारी को साथ देख काली कहता है, राजकुमारी हमार है, और कहता है राजकुमारी को मैं अपने लिए उठा कर लाया हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई होती है। राजमाता आकर काली सिंह को बहुत भला बुरा कहती हैं और खूब मारती हैं, और राजकुमारी को भी डांटती है। राजकुमारी राजमाता से माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उधर महारानी को पछतावा होता है कि उसने काली सिंह को मारा, और अब महारानी काली सिंह को दुलार करती हैं। उधर अनुराधा आत्महत्या करने की कोशिश करती है, तभी करण सिंह वहाँ पहुँचता है और उसे बचा लेता है। शमशेर सिंह को ताज पहनाया जाता है, महल में नया महाराज चुना जाता है। महल में करण और राजकुमारी भेष बदल कर पहुँचते हैं। राजकुमारी और करण सिंह को पहचान जाता है और दोनों को कैद कर लेता है। कोड़ों से करण सिंह पर वार करता है, बार बार कोड़ों से मारता है, और वहां डाकू के साथ काली सिंह को बहुत दर्द होता है। जैसे जैसे राजकुमार करण सिंह पर कोड़े पड़ते हैं, उसके दर्द को काली सिंह महसूस करता है, और काली सिंह कहता है और मारो और मारो, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, और कहता है करण मरेगा तो वो जिएगा। पृथ्वी सिंह सबको लेकर करण को बचाने के लिए जाता है। काली रोकता है पर पृथ्वी सिंह नहीं मानता, राजमाता को लेकर निकल जाता है राजकुमार को बचाने। शमशेर करण सिंह को रस्सी से लटका देता है खोलते हुए तेल की कढ़ाई के ऊपर। पृथ्वी सिंह महल के पास आकर सभी गांव वालों को बताते हैं कि ये राजमाता है महल की। फूलवती भी काली को कहती है कि तुम चूड़ियां पहनो, मैं तुम्हारे भाई को बचाने जाती हूँ। उधर काली को माँ की बात याद आती है, धर्म कर कर्म कर, और काली भी अपने भाई को बचाने के लिए राजमहल आ जाता है और शेर सिंह से लड़ाई करके करण को बचा लेता है। पर काली को तलवार लग जाती है और वो दम तोड़ने लगता है। तभी राजमाता वहाँ आती हैं और काली को अपनी गोद में लिटा लेती हैं।
फूलवती भी वहाँ आती है और मरते हुए काली को कहती है, अरे जाने से पहले ये हार तो अपने हाथों से पहना जा। काली अपने हाथों से हार फूलवती को पहनाता है और पहनाने के बाद